अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो मैं आपको तावीज़ बताने वाला हूँ, इस तावीज़ को जानने से पहले मेरी पूरी वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी तरफ़ से आपको इसे बनाने की पूरी इजाज़त है, लेकिन जब तक आप मेरी पूरी वीडियो ना देख लें, इस तावीज़ को ना बनाएं। मैंने तावीज़ 786 चैनल पर बहुत सी आतशी तावीज़ के बारे में बताया है, लेकिन इन सभी तावीज़ों को बनाने का तरीका कुछ भाई बहनों की समझ में नहीं आया है। आज मैं आपको एक पावरफुल तावीज़ के बारे में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले आतशी तावीज़ यानी आग में जलाने वाली तावीज़ को बनाने की पूरी जानकारी दूँगा, तभी आप इन सब तावीज़ों में कामयाब होंगे जब आप इन पर अमल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तावीज़ तीन तरह की होती हैं, पहली तावीज़ आतशी, दूसरी तावीज़ बादी, तीसरी तावीज़ खाकी। आज मैं आपको आतशी तावीज़ के बारे में बताऊंगा। आतशी तावीज़ आग में जलाने वाली तावीज़ को कहते हैं। इस तावीज़ को कागज़ पर या और किसी चीज़ पर लिखा जाए और इसे आग में डालें या चूल्हे में गर्म करें। इसे बनाने का तरीका ये है कि इसे लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखें, जिस वक्त ये तावीज़ लिखें तो आपका मुंह पूरब की तरफ हो और एक जानू पर बैठें और आपके करीब देग या तंदूर हो या किसी भी तरह का चूल्हा, चाहे गैस का ही चूल्हा क्यों ना हो। इस तरह से एक कामयाब आतशी तावीज़ तैयार की जाती है। आप इन पर अमल करते हुए इस तावीज़ को बनाएँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको पावरफुल आतशी तावीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं बना है। मोहब्बत के लिए इन तीन तावीज़ों को बना लें। इसको बनाने का वक्त सुबह का ज़्यादा अफजल है, लेकिन आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये पहली तावीज़ है, इसे पहली रात में जलाना है। इस तावीज़ के नीचे महबूब का नाम, महबूब की माँ का नाम, अपना नाम और अपनी माँ का नाम लिखें। ये दूसरी तावीज़ है, इसे भी पहली तावीज़ की तरह ही नीचे महबूब का नाम, महबूब की माँ का नाम, अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिखें। ये तीसरी तावीज़ है, इसे तीसरी रात में जलाना है। इसके नीचे भी महबूब का नाम, महबूब की माँ का नाम, अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिखें। अब इसे पहली तावीज़, दूसरी तावीज़ और तीसरी तावीज़, तीनों तावीज़ें हैं, इनको चराग की शक्ल में बलीता बना लेना है। एक तावीज़ पहले दिन जलानी है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, चराग में, और चराग की जो लौ है, जो इस तावीज़ की जो मतलब रोशनी है, इसे महबूब के घर की तरफ करनी है। आप वीडियो को रोक रोक कर और समझ कर जो तरीका आपको बताया गया है अच्छे से जानकर तावीज़ बनाएं। इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त के साथ।